तो गाइस अभी मैं गोले भी बना लेती हूँ। ऐसे ऐसे बनाते हैं, हमारा किचन नहीं बना है तभी हम यहाँ कोठी में ही खाना बनाते हैं। तो किचन बन जाएगा फिर हम अपने किचन में ही बनाएंगे। ओके ऐसे नज़ारे हो रहे हैं, अभी ना मैं सुबह की चाय भी पी रही। गाइस अभी ना मैं दूसरी बाड़ी में भी आ गई हूँ सरसों चुनने को, और देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे मटर जो हैं वो लगे। अभी ना अच्छी सी चाय भी बनी है और आज खाएंगे चाय के साथ पकौड़ियाँ। तो अभी ना मैंने पकौड़े भी बना लिए हैं, देख सकते हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी ना जैसे ही मेरी सुबह होती है, क्योंकि आज यहाँ पर गांव में ना लेट रोशनी होती है, इस कारण से कम 7:30 बजे मतलब पूरी रोशनी हो जाती है, तो तभी मेरी सुबह भी होती है। तो अभी मैं बना रही थी चाय, तो पापा जी आवाज़ मार रहे हैं कि चाय ला, तो अभी मैं अंदर चलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ खूबसूरत नज़ारे। सुबह सुबह ना ठंड में चाय पीने का मन करता है। गाइस अभी ना मैं चलती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने, फिर मिलती हूँ आपके साथ। गाइस अभी ना मैं गोले भी बना लेती हूँ, ऐसे ऐसे बनाते हैं। अभी हमारा किचन नहीं बना है तभी हम यहाँ कोठी में ही खाना बनाते हैं, तो किचन बन जाएगा फिर हम अपने किचन में ही बनाएंगे। तब तक के लिए यहीं पर टाइम पास करना है, क्या करें, किचन बनने में अभी 1 महीना लग ही जाएगा, क्योंकि अभी और सब कुछ कर दिया है, अब सिर्फ दरवाजे लगाने को रह गए हैं। मैं ऐसे ऐसे गोले भी बना रही हूँ और साथ में और को भी बनाना पड़ेगा। अभी मैंने 4 गोले बना लिए हैं, मैं 4 नाटियाँ बना लेती हूँ। दो डबल करके मिक्स बनाऊंगी मैं ये। अभी ना मैं फुलके को बेल देती हूँ। गाइस अभी ना मैंने घर का सारा काम भी ख़त्म कर लिया है और अभी 5 मिनट कम है 11 बजने को, और अभी ना मैं अपने लेटर पर आ गई हूँ। तो मैंने ना वहाँ पर डेयरी फॉर्म वगैरह बिछा दिया है, अब मैं यहाँ पर बैठकर स्टडी करूँगी। तो अब आज ना अच्छी धूप नहीं हो रही है, मतलब पहले कल तेज़ धूप थी, आज ऐसे ही थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है। मौसम तो साफ है पर पता नहीं क्यों धूप बहुत ज़्यादा ठंडी है आज।
फाइनली गाइस अभी ना मैं अपने खेतों में भी आ गई हूँ और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर सरसों की सब्जी लेने। तो अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर धूप भी हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सरसों भी चुन लूँ धूप धूप में। तो अभी चलती हूँ और हमारे खेतों में ऐसे ऐसे जौ लगे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे सरसों भी लग गया है। देखो कितना अच्छा सरसों लगा हुआ है। भाई जमीन में दूसरी बाड़ी में भी आ गई हूँ सरसों चुनने को और देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे मटर जो हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर ना सरसों अच्छा हो रहा है। देखो और जौ में ही मिक्स सरसों लगा हुआ है। इतना सरसों मैंने भी चुन लिया है तो अभी चलते हैं घर को। अभी ना मैंने सरसों भी चुन लिया है और सरसों चुनकर अभी मैं चल पड़ी हूँ घर को। तो हमारे ये आगे वाले खेत हैं डंड वाले खेत में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी अच्छे खेत हैं और यहाँ का नाम हम बोलते हैं डंड। देख सकते हैं इनमें भी ऐसी ऐसी कनक लगी हुई है। बिना अच्छी सी चाय भी बनी है और आज खाएंगे चाय के साथ पकौड़ियाँ। तो अभी ना मैंने पकौड़े भी बना लिए हैं। देख सकते हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। भाई ने सामान लाया था राजगढ़ से और भाई भी लगे हुए हैं चाय और पकौड़े का आनंद लेने। तो अभी ना पकौड़े और चाय खाकर मैं बाहर भी आ गई हूँ और भाई भी अपने काम पर लगे हुए हैं और अभी ना मैं अब रात का खाना तैयार करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को करती हैं पे क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।